गिर गया खादमा के हाथों से, एक नाजुक मकान टूट गया। गिर गया खादमा के आंखों से, एक नाजुक मकान टूट गया। मछलियां फर्श पर तड़पने लगी, कांच का मर्तबान टूट गया। गिर गया खादमा के हाथों से, एक नाजुक मकान टूट गया। मछलियां फर्श पर तड़पने लगी, कांच का मर्तबान टूट गया। उस पे गुस्सा वो मेम साहब का, जैसे सारा जहान टूट गया। सुई जैसी नुकीली खामोशी सी गई खादमा के होठों को, सुई जैसी नुकीली खामोशी सी गई खादमा के होठों को। सहमा सहमा तबीज सन्नाटा बस गया खादमा की आंखों में। देखिए, ये जो एहसास है, आज तक ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि मर्तबान टूटने का जो शोर था वो शायरी था, या खादमा की आंखों में बसा हुआ जो सन्नाटा है वो शायरी है। ये फैसला शायर तो करते ही, लेकिन इससे बड़ा फैसला आप करते हैं जब शेर सुनने के बाद एक लम्हे में आपको दाद देनी पड़ती है। शायर के पास वक्त होता है कि वो एक दिन में, एक घंटे में, दस दिन में एक शेर कह सकता है, लेकिन आपका अमल ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको एक लम्हे में फैसला करना होता है कि शेर अच्छा है या बुरा है। आपने मुकामी शोरा को जितनी संजीदगी से सुना, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुशायरे को वाकई वो रंगो हांग अता कर दिया है जिसमें आप बैरूनी शोरा को मैं दावत दे सकता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए ज़रूर बजा दीजिए। शायरी एक फूल है, एक खुशबू है, एक ऐसी खुशबू जो तपती हुई ज़मीन पर बारिश की पहली फुहार से फूकती है और मुशामे जामे होते हुए हमारी रूह में सरायत कर जाती है। इस खुशबू को शायरी बनाने का अमल वाकई बड़ा मुश्किल अमल है, और जब ये अमल ख़वातीन करती हैं तो ये ज़्यादा मुश्किल मालूम होता है। लखनऊ की बड़ी मोतबर शायरा थी, उनका एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त। यहाँ से शायरी का माहौल बनाएंगे, आपको लगेगा कि देखिए उर्दू विंग का मुशायरा एक तारीख रकम कर रहा है। मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। शायरी का जब यही सफर आगे बढ़ा तो एक डरी सहमी शायरा ने फिर यूं भी कहा, मैं अपने जिस्म में रहती हूँ इस तकल्लुफ से कि जैसे और किसी दूसरे के घर में हूँ। जब शायरी का यही सफर आगे बढ़ा तो शायरा थोड़ी बागी हो गई, शायरी का लहजा तब्दील हुआ, मफहूम ने अपना अंदाज बदल लिया, बात कहने के अंदाज और अफकार बदलने लगे। अब शायरा शेर कहती है, अगर मैं डूबी तुझे साथ लेके डूबूंगी, अगर मैं डूबी तुझे साथ लेके डूबूंगी, अब अपनी जान अकेले नहीं गंवाऊंगी मैं, जहां भी देखूंगी बदली हुई नजर तेरी वहीं से अपना अलग रास्ता बनाऊंगी। और देखिए, ये शायरी के मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ लहजे हैं। हमारे पास एक बहुत ज़िम्मेदार कवित्री, बहुत ज़िम्मेदार शायरा, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, मोहतरमा अंकिता सिंह। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए और देखिए कि शायरी किस अंदाज से अपने अहद की नुमाइंदगी और तर्जुमानी कर रही है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अंकिता सिंह का। नमस्कार, आदाब। आखिरी सफ तक मेरा सलाम पहुंचे। नया देश है, नए लोग हैं, लेकिन इतने नए चेहरों में आज मुझे पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। वो इसलिए कि मैं बहुत देर से यहाँ पर हूँ और नए चेहरों में, इन आँखों में मुझे अपना देश साफ दिखाई पड़ रहा है। आपके प्यार और आपके अपनेपन का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मुक्तकों से अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ, प्रयास करती हूँ आप सब से जुड़ने का। सुनिएगा इरशाद जी, नामी को जी, अंकिता जी फरमाइए, स्वागत है आपका। सुन भाई, ज़ोरदार तालियां बजाइए और देखिए इजाज़त दीजिए अपनी अंकिता जी को। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या,
वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। वाह। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। वाह 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 वाह। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता। अरे वाह 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 अंकिता जी, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। इजाजत मांगता है क्या। बहुत शुक्रिया। और ये भी सुनिएगा इरशाद। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती। वाह। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती। हमारे दिल पे जो चलती है वो आरी नहीं रुकती। क्या अच्छा पढ़ रही हैं अंकिता जी, वाह 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 वाह। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस दो एक से। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस दो हिक से हैं। कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती, कभी हिचकी। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब अंकिता जी, बहुत खूब, वाह 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 वाह, नहीं रुकती। बहुत शुक्रिया। देखिए मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट रही हूँ और इंजीनियर होने के नाते काफ़ी प्रयोग भी करती हूँ कविताओं में। मैं आपको गणित का ऐसा मुक्तक सुनाती हूँ, देखिएगा पढ़ा लिखा कहाँ फेल हो जाता है। सुनिएगा। महज सुनते रहे पर आहटों को गिन नहीं पाए। महज सुनते रहे पर आहटों को गिन नहीं पाए। हम अपने दरमियाँ दुश्वारियों को गिन नहीं पाए। पढ़े इश्क से ज्यादा गणित के चैप्टर हमने। पढ़े हैं इश्क से ज्यादा गणित के चैप्टर हमने। मगर कल रात अपनी करवटों को गिन नहीं। अरे वाह 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 वाह। कल रात अपनी करवटों को। देखिए मैं आपको बता दूं, एक बहुत खूबसूरत सा ऐलान मैं आपको बता दूं कि कल करवटें न गिनने का अमल बड़ा मुश्किल है। और अंकिता जी का मामला ये है कि ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इन्होंने पीएचडी की है। अगर मैथमेटिक्स की शायरा भी इस करवटें नहीं गिन पाएगी तो समझ लीजिए कौन करवटें गिनेगा। बहुत ज़ोरदार तालियां बजाइए और इनका इस्तकबाल करिए। बहुत शुक्रिया। गणित का एक और मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तमन्ना की इकाई घर दहाई में बदल जाए, दस गुना अधिक हो जाए। तमन्ना की इकाई घर दहाई में बदल जाए। पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन। तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन। सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। मैंने फिजिक्स का भी इस्तेमाल किया है कविता में, आप सुन के बताइएगा आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। शायद किनारे पर बहुत भटका कभी सागर नहीं पाया। किनारे पर बहुत भटका कभी सागर नहीं पाया। बस उसने सीप को देखा कभी गौहर नहीं पाया। हमारी झील सी आंखों में उसने डूबना चाहा। हमारी झील सी आंखों में उसने डूबना चाहा। मगर किरदार हल्का था तो ऐसा
कर नहीं पाया, वाह 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 वाह, किरदार हल्का था, बहुत अच्छा पढ़ रही है अंकिता जी, वाह 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 वाह। किनारे पर बहुत भटका, कभी सागर नहीं पाया, बस उसने सीप को देखा, कभी गौहर नहीं पाया। हमारी झील सी आँखों में उसने डूबना चाहा, हमारी झील सी आँखों में उसने डूबना चाहा, मगर किरदार हल्का था, सो ऐसा कर नहीं पाया। वाह 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 वाह। अगला मुक्तक पढ़ती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये नए तरीके की कविता अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छी लग रही हो, तालियां वाले बजा के कम से कम एहसास दिलाइए। बहुत शुक्रिया। अगला मुक्तक पढ़ती हूँ। कविता जो है वो इशारों इशारों में अपनी बात कहने का तरीका है। मैंने भी इशारों में एक बात कहने का प्रयास किया है, आप सुनिएगा। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों, वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों, समंदर की कई नदियां, नदी का एक समंदर। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। नदी का एक समंदर है। बहुत शुक्रिया। और जब मैं यहाँ आई थी तो आदेश हुआ था कि मैं एक मुक्तक पढ़ूँ, ये वाला, तो मैं वो पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी इरशाद। तुम्हारे बाद तुमको खुद के भीतर देखते हैं हम, वाह। तुम्हारे बाद तुमको खुद के भीतर देखते हैं हम, तुम्हें इतना ख्यालों में नजर भर देखते हैं हम। वाह 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 वाह। हमारा नाम भी हमको सुनाई अब ना देता पर, तुम्हारा नाम भी हमको सुनाई, हमारा नाम भी हमको सुनाई अब ना देता पर, तुम्हारा नाम ले कोई तो मुड़ कर देखते। वाह 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 वाह। अरे भाई वाह 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 वाह। गीता जी बहुत खूब बहुत खूब। तो मुड़ कर देखते हैं। बस शुक्रिया। तुम्हारे बाद तुमको खुद के भीतर देखते हैं हम, तुम्हें इतना ख्यालों में नजर भर देखते हैं। वाह। हमारा नाम भी हमको सुनाई अब ना देता पर, हमारा नाम भी हमको सुनाई अब ना देता पर, तुम्हारा नाम ले कोई तो मुड़ कर देखते, तुम्हारा नाम ले कोई तो मुड़ कर देखते हैं हम। अब ये वक्त, बहुत शुक्रिया, अब ये वक्त है गीत का, मैं गीत सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले ये चार मिसरे की मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी, मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी, कभी मुस्काएगी छुप छुप कभी तकिया भिगोएगी, बड़े नादान हो तुम तो ज़रा समझा करो बातें, बड़े नादान हो तुम तो ज़रा समझा करो बातें, गले मिलकर जो रोती है बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर। वाह 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 वाह। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और ये गीत पढ़ती हूँ। एक लड़की जो प्यार में होती है वो क्या सोच रही होती है, सुनिएगा। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती,
तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। वाह 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 वाह। मैं चाहती हूँ मेरे गीत को बीच बीच में आपकी तालियों की थाप मिले, गीत और उठेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। सीटी ना बजाइए, ये अदब की महफिल है, बिल्कुल तहजीब के साथ सुनिए। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको। गीत का पहला अंतरा सुन पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जब हम प्रेम में होते हैं तो किस कदर हमारी मोबिलिटी बढ़ जाती है, हम कहीं बैठे होते हैं हमारा मन कहीं का कहीं घूम कर आ जाता है। तब ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। यही सोफे पे बैठे साथ अंबर घूमती हूँ, तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। यही सोफे पे बैठे साथ अंबर घूमती हूँ, तुम्हारा नाम चखती हूँ, नशे में झूम जाती हूँ। कहाँ हूँ मैं जहाँ मेरी खबर मुझे तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। मैं जहाँ मेरी खबर मुझे तक नहीं आती, क्या मेरी गुमशुदी की ये खबर तुम तक नहीं जाती। गली दिल की तुम्हारी याद से, गली दिल की तुम्हारी याद से आबाद करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ। मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। बहुत शुक्रिया। गीत का अगला अंतरा पढ़ती हूँ, क्या हो जब वो चला जाए अचानक। तेरा जाना मेरी आँखों में प्यासे ख्वाब बोता, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता। तेरा जाना मेरी आँखों में प्यासे ख्वाब बोता, तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता। तेरी खुशबू मेरी सांसों की गलियों में टहलती है, बड़ी कम वक्त है ये याद आँखों में पिघलती है। मैं सारी रात सोना जागना, मैं सारी रात सोना जागना एक साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ। मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। शुक्रिया। और गीत का अंतिम मंत्रा पढ़ती हूँ, और सोशल मीडिया के इस ज़माने को मैं समर्पित करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में ऐसे क्षण जिए हैं, अगर ये लम्हा आपके जीवन में आपने जिया है कभी, तो आपकी दाद मुझ तक पहुँचे। इरशाद जी, पता कीजिए। तेरी बातों के फूलों से गजल मखदूम कर दी, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी बातों के फूलों से गजल मखदूम कर दी, मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी फूंकी हुई सिगरेट में अक्सर राख होती, तेरी फूंकी हुई सिगरेट में अक्सर राख होती हूँ। मुझे ना क्या कहते हैं, जब आप बीच में बोलते हैं ना तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। जी पढ़िए पढ़िए, नहीं बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं आपको, बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं आप, पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जख्म पर रश्कों, मैं अपने जख्म पर रश्कों
खुद बरसात करती हूँ। अकेले बैठकर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ। और ये गीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी इजाज़त होगी तो मैं ये गज़ल और पढ़ूंगी। सदर मोहतरम, मैं एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल पढ़िए अंकिता जी, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। और देखिए, चूँकि अंकिता जी जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान में नुमाइंदगी कर रही हैं, पूरी दुनिया में नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन हमें ये बहुत अपने महदूद वक्त पर मुशायरा ख़त्म भी करना है। लेकिन चूँकि हम सब लोगों की ख्वाहिश है कि उनको सुना जाए, और बिलखसूस मोहतरम सदर मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का भी ये हुक्म है, तो आप ज़रूर पढ़िए और आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करिए। मेरे जलते बुझते चराको तेरी आंधियों से गिला नहीं। मेरे जलते बुझते चराको तेरी आंधियों से गिला नहीं। जो सहा है खुद ही सहा, मगर कभी तुझे से कुछ भी कहा नहीं। पहला शेर हाजिर करती हूँ गजल का, सुनेगा। तेरी खुशबू रची बसी मैं ये सोचती रही देर तक, तेरी खुशबू रची बसी मैं ये सोचती रही देर तक। जिसे पाके कोई न चाहो, जिसे पाके कोई न चाहो, मुझे वो खुदा ही मिला। वाह 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 वाह। शुक्रिया। अगला शेर पढ़ती हूँ, और बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनकी तरफ से पढ़ती हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना कुछ अनकहा रह जाता है और अनसुना रह जाता है, सुनिएगा। कई बार दिल की सिलेट पर मेरे आँसुओं ने गज़ल लिखी, कई बार करीब मेरे रहा गए, वो करीब मेरे रहा मगर कभी उसने मुझको पढ़ा। वो करीब मेरे रहा मगर कभी उसने मुझको पढ़ा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। और अगला शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये पहाड़ पहाड़ ये अजाब हाक अजाब, ये पहाड़ हाक पहाड़ ये अजाब हाक अजाब। जिसे मंजिलों का जुनून हो, जिसे मंजिलों का जुनून हो, कभी मुश्किलों से डरा नहीं। बहुत खूब,
राधिका जी बहुत खूब। और ये शेर बस समझ लीजिए मैं अपनी ही तरफ से पढ़ रही हूँ। इरशाद, वो मिटाना चाहे मुझे मगर मुझे से का कोई नहीं है। वो मिटाना चाहे मुझे मगर मुझे से का कोई के खुदा की मर्जी बगैर तो, के खुदा की मर्जी बगैर तो कहीं कोई पता हिला। जी हाँ मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ आखिरी शेर। तू भी अपना जेस उतार दे, मैं भी खोल के जरा दिल रख। तू भी अपना जेस उतार दे, मैं भी खोल के जरा दिल कहीं बाद में न मलाल, कहीं बाद में न मलाल हूँ। ये कहा नहीं वो सुना। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा अंकिता जी।